क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर होता है। कई बार तो इन दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ भी जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के एक गेंदबाज ने भी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से एक बार पंगा ले लिया था और वो पंगा उन्हें महंगा पड़ गया था। दरअसल धोनी ने 2004 में क्रिकेट में डेब्यू किया था और उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने दमदार खेल के दम पर काफी नाम कमा लिया था। साल 2006 में जब टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर थी, उस वक्त पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने गेंदबाजी करते वक्त धोनी से भिड़ने का मन बना लिया था। कनेरिया की एक गेंद को धोनी ने आगे बढ़कर आराम से डिफेंड किया, तभी इस पाकिस्तानी गेंदबाज ने गेंद उठाकर तेजी से धोनी की ओर फेंकी। ये गेंद सीधा धोनी के सिर पर भी लग सकती थी, लेकिन धोनी बाल बाल बच गए थे। बस फिर क्या था, कनेरिया के ऐसे बर्ताव पर धोनी ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ठानी। माही ने अपने बल्ले से कनेरिया की जमकर क्लास ली। कनेरिया की अगली गेंद पर अपनी क्रीज छोड़कर माही ने लंबा छक्का लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी कई गेंदों पर धोनी ने लंबे लंबे शॉट लगाकर करारा जवाब दिया। इस मैच में माही ने 153 गेंदों पर 148 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। इस पारी में कुल 19 चौकों के साथ 4 लंबे छक्के भी शामिल थे। आपको बता दें कि धोनी की कप्तानी के चर्चे तो वैसे ही पूरी दुनिया में होते हैं। धोनी भारत के अब तक के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। माही की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। टीम इंडिया धोनी की ही कप्तानी में पहली बार दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बनी थी। और इस वाक्य को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी शांत स्वभाव की जरूर है, लेकिन अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वो पलट कर जवाब जरूर देते हैं। तो आप भी अगर महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।